प्रिय छात्रों, बही खाता लेखा कर्म के अंतर्गत गैर व्यवसायिक संस्थाओं के खातों में हमने अभी देखा था प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप और प्राप्ति भुगतान खाता किस प्रकार से बनाया जाता है। उसमें हमने देखा था कि प्राप्ति भुगतान खाता सामान्य तौर पर रोकड़ बही का सारांश होता है। एक निर्धारित अवधि में संस्था की कुल प्राप्तियां कितनी है, कुल भुगतान कितने हैं, उस आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है। दूसरा खाता जो गैर व्यवसायिक संस्थाओं के द्वारा तैयार किया जाता है वो कहलाता है आय व्यय खाता। पूर्व में बताया था आय व्यय खाता बनाने का जो उद्देश्य है वो है कि एक संस्था के द्वारा एक निर्धारित अवधि में उनके द्वारा कितनी आय प्राप्ति की गई और कितना भुगतान उनके द्वारा किया गया। खाते में हम इनको प्रविष्ट करते हैं और तत्पश्चात हमें व्यय का आय पर आधिक्य या आय का व्यय पर आधिक्य प्राप्त होता है। क्योंकि गैर व्यवसायिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लाभ या हानि को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि आय का व्यय पर अधिक कितना है या व्यय का आय पर अधिक कितना है ये दिखाया जाता है। तो यहाँ प्रारूप आपके सामने है। इसमें सबसे पहले हम व्यय वाली मदों को लेकर चलते हैं। तो जिसमें संस्था में कार्यरत कर्मचारी या मजदूरी, उनको वेतन दिया गया, कितनी मजदूरी दी गई, इसको लिखा जाता है। अब इसमें हमें जोड़ना है अदत्त, अर्थात उस निर्धारित अवधि में जो वेतन उनका ड्यू हो चुका है लेकिन अभी संस्था के द्वारा नहीं दिया गया है वो कहलाता है अदत्त। उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। साथ ही इसमें अगला मद है बीमा। बीमा का उस वर्ष में जितना भुगतान किया गया वो लिखेंगे, प्लस यदि पूर्वदत्त आगामी वर्ष का भुगतान कर दिया गया है तो उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। और इसके अलावा जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य व्यय, सामान्य व्यय जो भी संस्था के हैं, चाय पान के खर्च या अन्य दीगर खर्च, किसी भी प्रकार के भुगतान जो किए गए उस वर्ष से संबंधित, उनको यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद किराया व कर हो गया, छपाई मुद्रण सामग्री हो गई, विद्युत व्यय हो गए और भी विविध व्यय हो गए। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, ह्रास जो संस्था की संपत्तियां हैं उन पर जो निर्धारित दर से जो ह्रास लगाया जाता है उसकी जो राशि है वो यहाँ पर लिखी जाती है। दूसरा कॉलम जो आय का है, इनकम का, यहाँ पर चंदा, सब्सक्रिप्शन, अर्थात जो सदस्य हैं संस्था के उनके द्वारा वर्ष में जो चंदा प्रदान किया गया उसकी रकम को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि चंदा उसी वर्ष का होना चाहिए। अब यहाँ पर उस वर्ष से रिलेटेड जो चंदा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, ड्यू हो चुका है, उसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। माइनस करने की मद इसमें होती है कि यदि एडवांस चंदा हमें प्राप्त हो गया आगामी वर्ष का तो उसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। इस प्रकार चंदे की रकम का जब हम समायोजन करते हैं तो उसमें सबसे पहले चालू वर्ष का चंदा, जो चंदा प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त है उस वर्ष का, उसको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे एडवांस अग्रिम चंदा को। तो ये चंदे की मद है। इसके बाद प्रवेश शुल्क, एंट्री फीस, प्रवेश शुल्क संस्था में जो प्रवेश लेते हैं उसका शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क, सामान्य तौर पर यदि ये रकम कम है तो इसको हम आय व्यय खाते में लेते हैं। इसी प्रकार से दान, दान भी यदि छोटा दान है तो उसको आय व्यय खाते में, बड़ा है तो फिर वो बैलेंस शीट में जाता है। इसके अलावा विनियोग पर ब्याज, मनोरंजन पर लाभ, कोई भी आगम आय, ये मदें जो हैं ये प्राप्ति आय की यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर यदि आय का कालम अधिक है, व्यय का टोटल कम है, तो इसका मतलब है आय का व्यय पर अधिक, और यदि व्यय ज्यादा है आय कम है तो इसका मतलब है व्यय का आय पर अधिक। तो ये हमने देखा आय व्यय खाते का प्रारूप। अब यहाँ पर हम आय व्यय खाते की मदों को और विस्तार से जानेंगे। जो प्रारूप में हमने देखा था कि कौन कौन से समायोजन जो है आय व्यय खाता बनाते समय यहाँ पर होता है, तो आय पक्ष में जैसे कि चंदा, अभी हमने चंदे की बात कर रहे थे, तो चंदे की राशि आय पक्ष में लिखी जाती है, केवल चालू वर्ष लेखांकन के चंदे को ही हिसाब में सम्मिलित किया जाता है। चंदे के संबंध में प्रायः निम्न समायोजन किए जाते हैं। नंबर एक, प्राप्ति भुगतान खाते में चंदे की कुल राशि होने पर,
अब यहां पर हम ध्यान देंगे कि गत वर्ष में जो चंदे अप्राप्त थे, चालू वर्ष में चंदे जो अप्राप्त थे तथा आगामी वर्ष के चंदे जो प्राप्त हुए हैं, अतः चालू वर्ष के चंदे की राशि को ज्ञात करने के लिए चंदे की कुल राशि से गत वर्ष के अप्राप्त चंदे और आगामी वर्ष के चंदे की राशि को हमें घटाना चाहिए। तत्पश्चात चालू वर्ष के अप्राप्त चंदे की राशि को जोड़कर चालू वर्ष के चंदे की कुल राशि हमें ज्ञात होती है। यहां पर उदाहरण हम देखते हैं कि 31 दिसंबर 1998 को लायंस क्लब के प्राप्ति भुगतान खाते से चंदे की रकम जो है वो निम्नानुसार है। चंदा 20,000 रुपए, यहां पर 1 जनवरी 1998 को 500 रुपए चंदे का अप्राप्त थे और 1500 रुपए वर्ष 99 के लिए प्राप्त हुए। साथ ही 31 दिसंबर 1998 को चंदे के 3000 रुपए अप्राप्त हैं। तो वर्ष 98 के लिए चंदे की रकम इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। तो यहां हमें जो टोटल चंदा प्राप्त हुआ था प्राप्ति भुगतान खाते से वो था 20,000 रुपए। अब ये माइनस जो हम कर रहे हैं 1 जनवरी 1998 को 500 रुपए चंदे के अप्राप्त थे, ये क्या थे? गत वर्ष के चंदे, जो इस वर्ष से संबंधित नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां माइनस कर देंगे। यहां माइनस करने पर 19,500 रुपए ये आया। फिर इसके पश्चात पूर्व प्राप्त चंदा जो है एडवांस, ये भी किस वर्ष से संबंधित है? ये 99 से संबंधित है, चूंकि खाता हम कब का बना रहे हैं, 1998 का। तो यहां पर ये 1999 का चंदा, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर 19,500 से माइनस करने के बाद 1,500 माइनस किया तो 18,000 ये आया। अब इसी प्रकार से यहां पर हमने चालू वर्ष का चंदा देखेंगे, हम यहां पर चालू वर्ष का जो चंदा है वो यहां पर हमें 3,000 रुपए प्राप्त हुआ था। तो इसमें अप्राप्त चंदा जो चालू वर्ष का था 3,000 रुपए, ये करंट ईयर का था, इसको हमने अभी प्लस कर दिया। भले ही हमें प्राप्त नहीं हुआ लेकिन ये संबंधित है चालू वर्ष से। तो यहां पर टोटल रकम जो प्राप्त हो गई 18 + 3 = 21,000 रुपए, ये हमारी चंदे की रकम का यहां पर समायोजन हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे आय पक्ष की अगली मद के अंतर्गत, हम यहां पर देखते हैं प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क की राशि को आय व्यय खाते के आय पक्ष में लिखना चाहिए। सामान्य तौर पर कुछ विद्वान इसे कि पूंजीगत मानते हैं, लेकिन यदि कोई निर्देश नहीं है तो इसे हम आयगत मानते हुए आय वाले कालम में इसको हम लिखेंगे। इसमें यदि कोई समायोजन संबंधित निर्देश मिलते हैं कि प्रवेश शुल्क जो दिया गया है उसका पूंजीयन करना, तो उसको हम प्रवेश शुल्क की राशि में से सांस्कृतिक कोष बनाओ, तो ऐसी स्थिति में से आय व्यय खाते में न लिखकर इसे हम पूंजी में जोड़ देंगे अथवा जिस कोष का उल्लेख हो उसमें हम जोड़ देंगे। तो ये प्रवेश फीस शुल्क है, ये सामान्य तौर पर आय व्यय खाते में लिखा जाता है, लेकिन यदि निर्देश हैं तो इनको पूंजीयन भी इसका किया जाना चाहिए। इसके अलावा दान, दान की राशि को आय व्यय खाते के समाकलन पक्ष में दर्शाना चाहिए, क्योंकि दान की राशि संस्था को विभिन्न स्रोतों से उपहार में प्राप्त होती है। कभी कभी दान एक संस्था द्वारा दूसरी संस्था या व्यक्तियों को भी दिया जाता है, तो उस समय इसे आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में दर्शाना चाहिए। सामान्यतः दान का मद प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दिया गया हो तो इसे आय, और यदि भुगतान की ओर हो तो इसे व्यय मानना चाहिए। तो दान दोनों प्रकार से होता है, दिया गया भी और प्राप्त किया गया भी। तो प्राप्त है तो उसको हम आय खाते में, आय पक्ष में, दिया गया दान है तो उसको हम भुगतान वाले कालम में, और यदि दान के संबंध में निर्देश है कि इसका पूंजीयन किया जाना है तो उसको हम फिर बैलेंस शीट में ले जाते हैं। दान दो प्रकार के हैं, यहां पर पुनः बता दूं, सामान्य दान और विशिष्ट दान। सामान्य दान जो जनरल हमेशा प्राप्त होता रहता है उसको हम आय व्यय खाते में लिखेंगे, आय पक्ष में, और विशिष्ट दान को पूंजीगत मान के हम चिट्ठे के दायित्व तो पक्ष में लिखेंगे। जैसे भवन बनाने के लिए कोई बड़ी राशि प्राप्त हुई, पुस्तकों खरीदने के लिए बड़ा अमाउंट प्राप्त हुआ, दान प्राप्त हुआ कोई बड़ी वस्तु खरीदने के लिए, तो इस प्रकार की जो दान है उसको हम पूंजीगत मान के चिट्ठे में लिखेंगे। इसके बाद आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क यहां पर हम देखेंगे कि इस राशि को आय व्यय खाते के आय पक्ष में हम लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस कहलाती है ये। यदि निर्देश दिया गया है तो पूंजीयन करना है तो पूंजीयन करके उसको हम चिट्ठी के दायित्व पक्ष में लिखेंगे, और नहीं लिखा है तो फिर उसको हम आय कालम में लिखेंगे।
फिर इसके अलावा कुछ जनरल रिसीप्ट्स हैं, जलपान से प्राप्तियां हो गई। इस आय को आय व्यय खाते के आय पक्ष में लिखते हैं। कभी जलपान, मनोरंजन, भाषण आदि से प्राप्तियां एवं व्यय दोनों प्राप्ति भुगतान में दिए जाते हैं, तो इन्हें हम आय व्यय खाते के दोनों ओर आय एवं व्यय में लिख सकते हैं। अथवा आय की ओर यदि प्राप्ति ज्यादा हो और भुगतान कम हो तो उसे प्राप्ति से भुगतान घटाकर लिख सकते हैं। तो ये विभिन्न प्राप्तियां हैं। इसके अलावा आय और विभिन्न प्राप्तियां और दीगर जो भी आय हैं, जैसे ब्याज हो गया, म्यूनिसिपैलिटी ऐड हो गई, लाकर का किराया, पुराने अखबार की बिक्री, सभागृह के उपयोग का किराया वगैरह, विभिन्न प्रकार के खेलों से प्राप्त आय, विविध प्राप्तियां आदि ये होती हैं, तो आय पक्ष में हमें लिखना है। और यदि समायोजन भी दिया है, अप्राप्त है, तो अप्राप्त को क्या करेंगे हम, उसको हम जोड़ देंगे, तथा पूर्व प्राप्त एवं गत वर्ष के अप्राप्त आदि को घटाकर हम लिख देते हैं। अगली मद इसमें आती है पुरानी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि। ये राशि जो है सामान आय व्यय खाते में नहीं लिखी जाती क्योंकि ये पूंजीगत मद है, किंतु संपत्ति बेचने पर हानि को आय व्यय खाते में व्यय की ओर लिखना चाहिए। जैसे कि उदाहरण दिया है, क्लब के पास यदि 500 रुपए का फर्नीचर है और क्लब इस फर्नीचर की लागत का 300 रुपए का फर्नीचर 250 रुपए में बेच देता है तो उसे 50 रुपए की हानि हुई, इसे आय व्यय खाते में लिखेंगे तथा चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर 500 में से 300 रुपए घटाकर 200 रुपए की राशि को हम यहां पर लिखेंगे। तो ये मत थी आपके आय व्यय खाते के आय पक्ष के समायोजनों से संबंधित। अब हम यहां देखेंगे आय व्यय खाते के व्यय पक्ष की मदों के समायोजन के संबंध में। तो यहां गत वर्ष के अदत्त व्यय, व्यय वाले कालम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर गत वर्ष के अदत्त व्यय। पिछले चिट्ठे में गत वर्ष के कुछ अदत्त व्यय दिखाए जाते हैं और इस वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में से व्यय संबंधी कुल भुगतान बताया जाता है। ऐसी दशा में इस वर्ष के भुगतान में से गत वर्ष का अदत्त व्यय हमें क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए, और इस वर्ष का अदत्त व्यय जोड़ देना चाहिए। चालू वर्ष के अदत्त व्यय को अंतिम चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाया जाना चाहिए, वर्ष के प्रारंभ में अदत्त चंदे को प्रारंभिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। तो यहां जो गत वर्ष के अदत्त व्यय हैं उनको यहां पर हम व्यय वाले कालम में लिखते हैं। फिर कोष, अगर किसी विशेष व्यय हेतु कोष का निर्माण किया गया तो ऐसे व्यय की राशि को हम उस कोष में ही से ही कम करना चाहिए। फिर स्थायी संपत्तियों की खरीदी, ऐसी मदों का भी ठीक ठीक विश्लेषण कर संपत्ति खाते में लिखना चाहिए। कभी कभी यह मत प्रश्न पत्र में स्पष्ट नहीं होती, अतः इसका लेखा ध्यान पूर्वक करना चाहिए। यहां पर स्थायी संपत्तियां यदि खरीदी गई हैं तो वो बैलेंस शीट में चिट्ठे में जाएंगी, यहां नहीं आएंगी। इसके अलावा पूर्वदत्त व्यय, गत वर्ष के पूर्वदत्त व्ययों को क्या करना चाहिए, हमें जोड़ देना चाहिए, वह चालू वर्ष में भुगतान किए गए पूर्वदत्त व्ययों को घटाना रहना चाहिए। चालू वर्ष के अंत में बनाए गए आर्थिक चिट्ठे में चालू वर्ष के पूर्वदत्त व्यय को संपत्ति पक्ष में, वर्ष के प्रारंभ में गत वर्ष के पूर्वदत्त व्ययों को हम प्रारंभिक चिट्ठे में दर्शाया जाना चाहिए। अगली मद यहां हम देखते हैं ह्रास। यहां यदि ह्रास की दर नहीं है तो निम्न प्रक्रिया द्वारा हमें ह्रास की गणना करना चाहिए। सबसे पहले संपत्ति का प्रारंभिक शेष, जो भी संपत्ति है उसको हम लिखेंगे। उस वर्ष में, चालू वर्ष में जो संपत्ति खरीदी गई उसको लिखेंगे और माइनस कर देंगे यहां हम जो संपत्ति उसमें से बेच दी गई उसके पुस्तकी मूल्य के आधार पर, और साथ ही संपत्ति का अंतिम शेष भी यहां हम माइनस कर देंगे। तो यहां जो अमाउंट आएगा ह्रास या संपत्ति के प्रयुक्त से संबंधित होगा। तो यह ह्रास से संबंधित। इसके बाद उपभोग सामग्री का क्रय। अब यहां पर उपभोग सामग्री क्रय पर व्यय की गई राशि एक आयकर भुगतान है, अतः इसे व्यय पक्ष में दिखाना चाहिए। वास्तव में उपभोग की गई सामग्री का मूल्य निकालकर उसे हमें व्यय पक्ष में दिखाया जाता है। फिर इसके अलावा कुछ विशिष्ट सामग्रियों का क्रय। कुछ सामग्री से तात्पर्य पुस्तकालय की पुस्तकें, खेलकूद का सामान, क्राकरी, बर्तन, फर्नीचर, प्रतिभूति का क्रय आदि पर व्यय की गई राशि आयगत व्यय न होकर पूंजीगत व्यय माने जाते हैं, अतः इन्हें चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। तो ये कुछ मदें थी जो व्यय के मदों के संबंध में उनके समायोजन से संबंधित थी। यहां हमारे सामने प्राप्ति भुगतान खाता प्रश्न में दिया हुआ है, इसके आधार पर हम नीचे आप देखेंगे ये
आय व्यय खाता हमें तैयार करना है। तो यहां पर 31 दिसंबर 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता हमें बनाना है। रोकड़ शेष दिए इसमें 45,000, चंदा 20,250, प्रवेश शुल्क 1900, ब्याज 3,150, रद्दी पेपर की बिक्री 600। भुगतान वाले कॉलम में हम देखें वेतन 11,000, किराया 2,400, नगर निगम कर 1,200, सामान्य व्यय 400, समाचार पत्र 1,500, उपस्कर 6,000 और रोकड़ शेष 7,900, टोटल ये 30,400। अब इसमें यहाँ समायोजन भी दिए हैं, वेतन के 1,000 रुपये अदत्त हैं, अर्थात उस वर्ष का वेतन भुगतान 1,000 रुपये देना बाकी है। किराए के 600 रुपये पूर्व दत्त हैं, अर्थात ये एडवांस में पे कर दिया गया है। फिर फर्नीचर पर हमें 10% ह्रास लगाना है और चंदा जो है 250 रुपये अप्राप्त है। तो ये जो है ये क्या है, ये समायोजन है। अब हम प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर यहां हम तैयार करेंगे आय व्यय खाता जो आपके सामने। तो सबसे पहले हमने यहां पर व्यय वाले कालम को लिया, यहां भुगतान से हम चलेंगे, भुगतान से यहां हमने डेबिट पक्ष में व्यय के कालम में उनको उतारा। तो सबसे पहली मद है वेतन। वेतन देखिए सवाल में दिया हुआ है 11,000 रुपये, ये हमने 11,000 रुपये साइड में लिखा यहां वेतन। इसमें अब यहां यदि समायोजन दिया है तो देखिए दिया है समायोजन 1,000 रुपये देना बाकी है। अब ये कब के हैं, उसी वर्ष से संबंधित है। तो हमने पहले भी बताया था कि जो अदत्त वेतन उस वर्ष का है वो उसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया 12,000 रुपये। तो यहां पर वेतन की मात्र कितने की हो गई 12,000 रुपये की। अब अगला व्यय जो दिया है देखिए किराया, किराया हमने यहां लिख दिया 2,400 रुपये। किराए के संबंध में यदि समायोजन यहां पर है तो देखिए दिया हुआ है किराए के 600 रुपये पूर्व दत्त हैं। अब पूर्व दत्त हैं मतलब ये उस वर्ष से आगे के वर्ष का भुगतान कर दिया गया, तो पूर्व दत्त को हमेशा क्या करेंगे व्यय को माइनस करेंगे। तो यहां हमने 2,400 में से 600 क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो ये 1,800 रुपये किराया कीमत हो गई। अगले व्यय है नगर निगम कर, इसमें कोई समायोजन नहीं है, इसको हमने 1,200 रुपये यहां पर उतार दिया एज इट इज। इसके बाद सामान्य व्यय 400 रुपये, ये भी उसमें भी समायोजन नहीं, ये हमने व्यय में उतार दिया। समाचार पत्र 1,500 रुपये, अब ये संपत्तिगत व्यय नहीं है, ये एक सामान्य व्यय है जो बार बार होते हैं, तो ये 1,500 रुपये यहां पर हमने आयगत व्यय मानते हुए इसको यहां पर हमने 1,500 रुपये लिख दिया। अब यहां पर देखिए आप फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है ये पूंजीगत है, ये तो ये चिट्ठे में जाएगा 6,000 रुपये। लेकिन यहां पर समायोजन में देखिए ह्रास दिया है उपस्कर पर 10% की दर से ह्रास लगाना, तो यहां पर 6,000 रुपये जो उपस्कर की कीमत है उसका 10% यहां हमने निकाला, तो ये देखिए मत आप ह्रास फर्नीचर पर 600 रुपये, तो यहां पर ह्रास की राशि आ गई 600 रुपये। और अब इसके बाद ये मदें पूरी हो गई यहां आपकी। रोकड़ शेष आय व्यय खाते में नहीं आता है, पहले भी बताया है, अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष नहीं आता, ये इसका हम प्रारंभिक शेष में चिट्ठे में इसको ले जाते हैं। अब यहां आय पक्ष में हम देखते हैं प्राप्ति वाले कालम से लेते हैं हम, रोकड़ शेष हमने छोड़ दिया, चंदा 20,250, तो चंदा हमने लिख लिया 20,250, ये चंदा हमें इस वर्ष में प्राप्त हुआ। अब इसमें यदि कोई समायोजन है तो देखिए समायोजन है चंदे के 250 रुपये अप्राप्त है, तो ये 250 रुपये अप्राप्त जो है ये इसी वर्ष से संबंधित है, ये हमें प्राप्त होना थे जो अभी हमें नहीं हुए लेकिन ये अर्जित हो चुके हैं, तो इसको हम क्या करेंगे यहां हम प्लस कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये हो गया कितना 20,500। चंदा उस वर्ष का प्राप्त हो गया जो प्राप्त प्लस अप्राप्त मिला के 20,500। इसके अलावा प्रवेश शुल्क, इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है इसलिए इसको हम कहां ले लेंगे आय व्यय खाते में, तो 1,900 रुपये हमने ये ले लिए। ब्याज जो है ये सामान्य तौर पर हमेशा प्राप्त होने वाला था, ये आयगत आय है, इसको हम ब्याज को यहाँ 3,150 लेंगे। इसी प्रकार से रद्दी पेपर की बिक्री, ये भी रोजाना की तरह से हमेशा की तरह ये आगमगत आय है इसलिए इसको हम यहाँ आय वाले कालम में लेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा आय मदों का हमने यहाँ पर समायोजन किया, व्यय का समायोजन किया, और इसके अलावा यहाँ पर जब हमने टोटल किया तो दोनों पक्षों का टोटल जो है यहाँ पर हमें 26,150 आय पक्ष का प्राप्त हुआ और यहाँ पर जो है व्यय का 8,650 कम। अगला एक और सवाल हम यहाँ पर देखते हैं,
आय व्यय खाते से संबंधित प्राप्ति भुगतान खाता वर्ष में दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2016 को समाप्ति वर्ष में प्राप्ति भुगतान खाता हमारे सामने इस प्रकार है। यहां हम देख रहे हैं प्राप्ति वाले कालम में 1 जनवरी 2016 को ब्रोकर से 3000, चंदा 2500, मनोरंजन से प्राप्ति 1000, प्रवेश शुल्क 500, प्रतिभूति पर ब्याज 475 और पुरानी कुर्सियों की बिक्री ₹75। भुगतान वाले कालम में यहां हम देखें कि सरकारी प्रतिभूतियां 2500 की खरीदी थी, किराया 15 का ₹425, 16 का ₹600, टोटल ₹1025 किराया जो है अभी 31 दिसंबर 2016 को चुकाया गया। फुटकर व्यय 55, मनोरंजन पर व्यय 750, मुद्रण व्यय 150, विज्ञापन 200, उपस्कर 400, पुस्तकालय की पुस्तकें 300 और रोकड़ से जो 31/12/16 को 2170, टोटल यहां पर 7570। समायोजन देखें हम, प्रारंभ में वर्ष के समिति के पास 1000 की पुस्तकें हैं, ₹1475 का फर्नीचर उपस्कर है और 10000 की सरकारी प्रतिभूतियां थी। वर्ष के आरंभ में चंदे के ₹400 तथा अंत में ₹325 अप्राप्त थे। तो चंदा जो है वर्ष के प्रारंभ में ₹400 अप्राप्त है और अंत में 325 अप्राप्त है, और वर्ष के प्रारंभ में प्रतिभूतियों पर ब्याज के 125 तथा अंत में ₹150 अर्जित था। 31 दिसंबर 2016 को मुद्रण व्यय ₹75, किराया ₹100 अदत्त था। ये सारे जो हैं ये क्या हैं, समायोजन। इनको हम यहाँ पर आय व्यय खाते बनाते समय यहाँ हम उनको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं व्यय वाले कालम की ओर चलते हैं। भुगतान कालम से हम यहाँ से मदों को उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ देखते हैं सरकारी प्रतिभूति। तो सरकारी प्रतिभूति ये संपत्तिगत है, तो इसको हम चिट्ठे में ले जाएंगे। इसके बाद व्यय जो है हमारा किराए से संबंधित है। किराया यहाँ पर जो है 2015 का 425 और 16 का ₹600। तो रेंट यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए समायोजन में यहाँ पर दिया होगा कि ये फर्नीचर अप्राप्त थे वर्ष के आरंभ में और किराए ये ₹100 यहाँ पर अदत्त है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो वर्ष 2016 का किराया है ये हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस उसी वर्ष का जो बकाया आदत, तो ₹600 प्लस ₹100, टोटल ₹700। वर्ष 2015 का जो किराया है ये गत वर्ष का चंदा है, इसलिए हम इसको यहाँ किराया है इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर बात करते हैं एक्सपेंसेस की। फुटकर व्यय ₹55, इसमें कोई समायोजन नहीं है, इसको हम सीधा लिख देंगे। फिर मनोरंजन पर व्यय ₹750, इसमें भी कोई समायोजन नहीं है, इसको हम सीधा लिख देंगे। इसके बाद मुद्रण व्यय, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ देखिए मुद्रण व्यय दिया हुआ है कितना हमारा ₹150, और यहाँ पर हमारे पास समायोजन में जो है ₹75, ये क्या है बाकी था देना, 2016 को मुद्रण व्यय ₹75 देना बाकी थे। तो ये 150 प्लस 75 ये हो गया कितना ₹225। इसके बाद एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, विज्ञापन ₹200 का, इसमें कोई समायोजन नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ। फिर ये सरप्लस। अब अभी हम इनकम की ओर, मतों की ओर चलते हैं। सबसे पहले चंदा ₹2425। तो चंदा देखिए आप, हमें चंदा जो उस वर्ष प्राप्त हुआ हमें प्राप्ति भुगतान खाते में वो हुआ ₹2500। अब चंदे का जो समायोजन है हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्ष के प्रारंभ में ₹400 क्या था ये बाकी था और जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, और अंत में ₹325 अप्राप्त थे। तो यहां हमने जो है 2500 में से ₹400 जो सम्मिलित था पिछले वर्ष का, उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो बचा कितना ₹2100। फिर चालू वर्ष का जो ₹325 हमें अप्राप्त नहीं हुआ उसको हम जोड़ देंगे, तो 2100 प्लस 325 ये हो जाएगा ₹2425। ये हो गई आपके चंदे की मत। इसके बाद हम देखेंगे एंटरटेनमेंट फीस, मनोरंजन से प्राप्ति ₹1000, इसमें कोई समायोजन नहीं है इसलिए इसको हम यहाँ सीधा सीधा ₹1000 लिख देंगे। प्रवेश शुल्क, इसके समय में कोई समायोजन नहीं है, इसको हम एक यहाँ पर देखेंगे एंट्रेंस फीस ₹500। तो प्रवेश शुल्क जो है यहाँ पर, यहाँ बात करते हैं हम एंट्रेंस
फीस की, एंट्रेंस फीस जो है वो प्रवेश शुल्क 500 रुपये। तो ये 500 रुपये, इसमें कोई समायोजन नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब इसके बाद सरकारी प्रतिभूतियां जो हमारे पास 2500 रुपये की थी, इस पे हमें जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ष के प्रारंभ में प्रतिभूतियों पर ब्याज के 125 रुपये और अंत में 150 रुपये अर्जित था। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रतिभूतियों पर ब्याज जो दिया हुआ प्राप्ति भुगतान खाते में कितना, 475 रुपये का। तो यहाँ पर हम जो है 475 में से 125 जो हमारा क्या था ये हम माइनस कर देंगे, तो 125 माइनस करने पर 350 और जो उपार्जित हो चुका है हमारा 125 रुपये उसको हम प्लस कर देंगे, तो ये 500 रुपये। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 500 रुपये। इस प्रकार से यह हमारा आय का जो कॉलम है वो हमें दिखाता है 4425 का बैलेंस, और यहाँ पर व्यय पक्ष का योग जो है ये कम है। तो जो यहाँ पर अंतर आया है आय का व्यय पर अधिक वो 2495 का है। इस प्रकार से टोटल 4425। यहाँ पर हमने देखा कि प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है।